अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक, बेहतरीन। और आप सुनाएं, सब कैसे हैं? कुछ एक महीने बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लाइफ बहुत बिज़ी चल रही है, बहुत बिज़ी चल रही है। समझ नहीं आता कि मैं बिज़ी चल रहा हूँ या लाइफ बिज़ी चल रही है। बस माजरत, मुझे पता है आप लोग व्लॉग का इंतज़ार तो नहीं करे होंगे, लेकिन मैं ज़रूर इंतज़ार कर रहा था कि मैं जल्द से जल्द कोई व्लॉग अपलोड करूँ। हाँ भाई, टाइटल पढ़ लिया ना आपने, वही पुराना डायलॉग है। लेकिन बुक फेयर अटेंड करने जा रहा हूँ। बेसिकली मैं लगातार 3 दिनों से आ रहा हूँ। आपको पता है, आज हिम्मत करके मैंने व्लॉग शूट किया है, लेकिन ये वाला पार्ट, बाकी जो पार्ट आपको दिखाना है, सो वो पार्ट तो ऐसा है कि वो शूट हो चुका है। तो करेंगे, थोड़ी मर्जिंग करेंगे, लेकिन शुरू यहाँ से करते हैं। होप सो आपको अच्छा लगे, और जिन्होंने लास्ट ईयर का वीडियो नहीं देखा वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो बढ़ते हैं। और हाँ, इस बार एक छोटा सा चेंज है बुक फेयर में, मुझे यकीन है वो चेंज आप देखेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो में मैं कम और जगह ज़्यादा नज़र आने वाली है, इब्तदा और आगाज़ को छोड़ के। इस बार मज़े की बात ये हुई कि यहाँ तो बुक फेयर हुआ ही नहीं, तो कहाँ हुआ, अब ये देखते हैं। इस बार अंदर ये एक्टिविटी चल रही है, शोर देख रहे हैं कितना है। तो इस शोर से वापस बाहर निकलते हैं। जिम्नेजियम के पास ही एक और जगह है, जो आई थिंक, यार मैं भूल गया, अभी मुझसे नाम लिया नहीं जा रहा, यहाँ लगाए इन लोगों ने था बुक फेयर। याद है माजी, अगर आपको याद हो कि पिछली बार भी मैंने जब यहाँ पे आया था तो याद है माजी का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन इस बार ना इन लोगों ने आई थिंक थोड़ा बड़ा सेटअप बनाया है, वरना यहाँ फूड कोर्ट होता था और यहाँ नहीं होता था। हाँ, ये कह सकते हैं जिम्नेजियम के बाहर ये जो आप खाली जगह देख रहे हैं ना, एक हिस्सा ना बुक फेयर का यहाँ लगता था, और एक अंदर जिम्नेजियम के। तो इस बार आपको आगे बढ़ के दिखाते हैं कितना अच्छा सेटअप। लो भाई, पहले काम करते हैं, भूखे लोगों को ना खाने की जगह दिखाते हैं। सही है, देख लें, हलीम भी है, दिल पसंद पान, गोला गंडा, खावसा, सब है। मेरे पीछे आपको काफ़ी आवाज़ आ रही होगी। अब इसी के सामने आई थिंक ये डिसीजन सही था इस बार इन लोगों का, कि थोड़ा ओपन जगह चाहिए ना, पहले बंद सी थी। यहाँ लड़कियाँ रखेंगे बैग, वहाँ सामने लड़के रखेंगे बैग, हम भी जाते हैं बैग रखते हैं और अंदर का विज़िट करते हैं और फिर बताते हैं। और आप भी देखें कितना रश है इस बार। फाइनली बैग जमा करवा लिया यहाँ पे, और अब अंदर इंटर होते हैं। यहाँ फ़ोटो सेशन चल रहा है, वैसे तो यहाँ भी चल रहा है। चलो अंदर, चलो अब अंदर की तरफ चलते हैं। बाज़ औक़ात फील होता है सुबह से ज़्यादा ना दोपहर को स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं यहाँ पे। यार पढ़ने का शौक़ लोगों ने ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब भी ऐसे जब जगहें देखता हूँ ना तो खुशी होती है कि चलो, टेक्नोलॉजी के दौर में भी लोगों का फोकस है कहीं ना कहीं। किताब बेहतरीन दोस्त है, कहीं ये पढ़ा था मैंने, पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया था, हाउ टू लिव व्हाट डू यू डू। इतनी कॉपियां बचपन के बाद मैंने शायद अभी देखी हैं, नहीं उर्दू बाजार में भी देखता हूँ, लेकिन चलो खैर है। ये ऑर्गेनाइजर बैठे हैं सारे। यार सॉरी यार, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में अटक जाता हूँ यार, क्या करें। अगर यहाँ से देखा जाए तो हाँ सही है, हाउ टू टेक टू एनी वन। इतनी सारी ट्रिक्स हैं यार, यहाँ तो एक पे भी अमल हो जाए बड़ी बात है। अरे ये बुक नज़र आई तो मैंने बोला आपको दिखा दूँ। 2012 में ड्रामा आया था, मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों ने देखा होगा, ये दुनिया की सबसे रोती हुई औरत। ये औरत ना मुझे ड्रामा देखने के बाद ना बड़ी नाशुकर औरत लगी थी। गेट अवे विद मर्डर। एमएसओ के जिम्मेदारान को खुशामदीद कहते हैं। एमएसओ के तमाम जिम्मेदारान से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। ये घूमते घूमते वापस उस तरफ आ गए, अब राइट हैंड से निकले थे, अब लेफ्ट से निकलते हैं। हाँ।
यार यकीन करो, अगर मैं एक एक किताब का नाम पढ़ूँ ना तो किताब के नाम से मैं मुतासिर तो बड़ा हूँगा, लेकिन यार फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, मुझे इतना बड़ा बनाना नहीं इस बार। अब ये जगह बुक फेयर की है, लेकिन यहाँ कपड़े, एसेसरीज, ज्वेलरीज वगैरह वगैरह, कैप्स, पता नहीं क्या क्या, चूड़ियाँ, बैंगल, चावल पे दाना लिखाना, तो मेरे हिसाब से यहाँ ज़्यादा घूमना मुनासिब नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ खामोशी से वीडियो बनाना ज़्यादा मुनासिब है। Many books ever with about Islam. Book fair, book fair. You be a book fair. Readers are always reader. Read and fair. वैसे मजे की बात बताऊं आप लोगों को, पहली बार यहाँ मैं कुछ दिन के, हाँ दिन के तकरीबन 4 बजे हूँ, वरना कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं कभी इस टाइम यहाँ आया हूँ। और यहाँ बड़ा, जब भी स्पीकर चलता है ना मैं खामोश हो जाता हूँ, और यहाँ ना मैं बहुत एहतियात से चलते चलते निकला हूँ ताकि किसी से टक्कर ना हो जाए, वो भी तो अखलाकियात के ख़िलाफ़ है ना यार, क्या ख्याल है? तो आप भी कभी ऐसी जगह पर चलें जाएँ तो लेडीज़ से ज़रा बच के जाएँ। तो फ़िलहाल मेरे ख्याल में यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा फासला रखते रखते, हाँ सही है, और ये कहेंगे कि एक तरफ से निकलें। सो ज़िंदगी रही तो फिर आएंगे अगले साल यहाँ पे, क्या ख्याल है? अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तस्वीर खिंचवाने की रिवायत मैंने पूरी कर दी, सही है? आप इंस्टाग्राम पे मेरे देख लेना। आई थिंक अपना बैग ले लें, और स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, आई थिंक 5 बजे ये बंद हो जाएगा। पार्किंग देख रहे हैं आप, आई थिंक यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये पार्किंग काफ़ी है, मतलब काफ़ी ही है। कुछ खा लें, खाते हुए का वीडियो बनाए नहीं बनाए, चलो दिखा देते हैं आपको क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है? ताकि आप कभी नेक्स्ट ईयर आएँ तो आपको अंदाज़ा हो कितना पेट भर जाता है यहाँ पे। वही फ्राइज़ के बगैर तो हर जगह अधूरी है, बंस रोड के बन कबाब, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, पेप्सी भी सुन लिया आपने, सही है? कम जगह रखी इस बार खाने की, लेकिन ओके है, पेट तो भर ही जाएगा, धूप गर्मी बढ़ती जा रही है। ये देखें शामियाने के अंदर लगा है पूरा, आई थिंक पिछले साल से थोड़ा छोटा लगा है, लेकिन मैं बोलता हूँ तरतीब के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत। हाँ जी, तो देखा आपने बुक फेयर कैसा था, कितना वहाँ किताबों का बंदोबस्त था। और एक मज़े की बात बताऊँ, पिछले साल से ना मैंने इस बार किताबें ज़्यादा सेल होते हुए देखी, और फूड आइटम पे ना वैरायटी तो थी लेकिन लोग कम झपट्टा मार के खड़े हुए थे। बट ये है कि बुक्स ख़रीदी गई, और अच्छी बात है, दौरे हकीकी में जितनी भी टेक्नोलॉजी सरशार हो जाए, किताबों की अहमियत हमेशा थी, हमेशा रहेगी, और पढ़ा करें किताबें, और किताबों को दोस्त बना के रखें। कुछ दोस्त आर्जी होते हैं, कुछ लोग मुस्तकिल होते हैं, लेकिन जो किताबें होती हैं ना ये बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको व्लॉग कैसा लगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि लास्ट ईयर वाला बुक फेयर वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा है ये वाला। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।